और अब एक ऐसी खबर जो न्याय व्यवस्था पर भरोसे को मजबूत करती है। औरैया की पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को सिर्फ 9 दिन में उम्र कैद की सजा सुना दी। दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अपने आप में खास इसलिए क्योंकि वारदात से सजा के बीच 1 महीने का वक्त लगा। अदालत ने सिर्फ 28 दिन के अंदर आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी। आपको पूरा मामला भी बताते हैं। औरैया के बेला थाना इलाके के गांव में 4 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। आरोप था कि शामवीर नाम के शख्स ने घर के बाहर खेल रही बच्ची से बलात्कार किया। मामला सामने आते ही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर महज 20 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी रोज सुनवाई शुरू हुई। 1 दिन में 3-3 गवाहों की गवाहियां हुई और 9 गवाहों के बयान दर्ज कर न्यायालय ने सजा सुना दी। आपको ये भी बता दें कि फैसले के वक्त दोनों पक्ष मौजूद नहीं थे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 दिन में उम्र कैद की सजा देने का ये पहला मामला है। बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी FIR हुई, पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए इसकी 18 दिन में चार्जशीट दे दी और न्यायालय में 20 को आ गई थी। और क्योंकि ये मामला बहुत संगीन था, 4 साल की बच्ची होने के कारण जनता में बहुत आक्रोश था, लिहाजा हम लोगों ने पूरी अभियोजन टीम ने ये तय किया कि इस मामले को त्वरित रूप से निपटाया जाए और इसका निस्तारण 9 दिन में हम लोगों ने करा लिया। 100% इससे अपराधियों के डर घुसेगा, भय का वातावरण होगा और उन्हें लगेगा कि इस तरह के कृत्य हमें शायद जेल की सलाखों तक पहुंचा देंगे। ये फैसला ईमानदारी से न्यायपालिका का है और न्यायपालिका ने बहुत अच्छा निर्णय किया है।